नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल के ऊपर एकदम नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आपको ये अच्छे से पता है कि ये YouTube चैनल इंडियन आर्मी में जाने वाले जवानों के लिए स्टार्ट किया गया है बीजू सर के द्वारा। तो एक बार सभी विद्यार्थी इंडियन आर्मी के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। तो दोस्तों करते हैं आज का शानदार लाइव सेशन स्टार्ट। तो उससे पहले मैं कुछ कहता हूं कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो दोस्तों इसी शानदार मोटिवेशन के साथ में आज के लाइव सेशन में आपको शानदार तरीके से कमेंट करना है, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आपको ईमानदारी के साथ में नोट करना है। दोस्तों इंडियन आर्मी का एग्जाम आपके एकदम पास में आ चुका है, तो आप ध्यान लगा के एकदम शानदार तरीके से पढ़ना प्रारंभ कर दे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में चमड़ा उत्पादन की क्रांति कौन सी है। आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है कि चमड़ा उत्पादन की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। पहला है गोल्ड क्रांति, दूसरा है खाकी क्रांति, तीसरा है व्हाइट गोल्ड क्रांति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत में चमड़ा उत्पादन की क्रांति कौन सी है। और जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं खाकी क्रांति, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जिनको भी ये क्वेश्चन नहीं आता वो ईमानदारी के साथ में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें सवाल कहता है दुग्ध उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है। पहला है दोस्तों नीली क्रांति, दूसरा है दोस्तों श्वेत क्रांति, तीसरा है पीली क्रांति, और चौथा है भूरी क्रांति। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि दुग्ध उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं श्वेत क्रांति के अंतर्गत, वो एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। देखें सवाल कहता है नीली क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है मेरे दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताना है नीली क्रांति के अंतर किसको रखा गया है। पहला चाय उत्पादन को, दूसरा बायोडीजल उत्पादन को, तीसरा मत्स्य उत्पादन को, और चौथा अंडा उत्पादन को। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे, देखें नीली क्रांति के अंतर्गत कौन आता है। और जो भी मित्र यहाँ पे आप में से सी ऑप्शन बता रहे हैं मत्स्य उत्पादन, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें सवाल कहता है भूरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करें। देखें आलू उत्पादन से संबंधित, उर्वरक उत्पादन से संबंधित, फल उत्पादन से संबंधित, या अंडा उत्पादन से संबंधित। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, देखें भूरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दे। देखें आलू, उर्वरक, फल या अंडा, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। और आप में से जो भी यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं उर्वरक उत्पादन से संबंधित, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें सवाल कहता है भारत में अंडा उत्पादन हेतु क्रांति है। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है। पहला है ऑप्शन दोस्तों कृष्ण क्रांति, दूसरा है पीली क्रांति, तीसरा है रजत क्रांति, और चौथा है गुलाबी क्रांति। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे, देखें अंडा उत्पादन हेतु कौन सी क्रांति है। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं रजत क्रांति, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। और जिनको भी नहीं आता वो ईमानदारी के साथ में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें सवाल कहता है, जल्दी से पढ़े दोस्तों, जल्दी से पढ़ के बताए। देखें सवाल कहता है तिलहन उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है तिलहन उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है। पीली क्रांति, लाल क्रांति, बादामी क्रांति या गुलाबी क्रांति। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे, देखें तिलहन उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है।
और जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं पीली क्रांति के अंतर्गत, वो एकदम राइट है बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें सवाल कहता है कृष्ण क्रांति संबंधित है किससे है, आपको ये कमेंट करके बताना है। कृष्ण क्रांति पहला है चाय उत्पादन से, दूसरा है बायोडीजल उत्पादन से, तीसरा है मसाला उत्पादन से और चौथा है तिलहन उत्पादन से। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे देखें कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। और जो भी विद्यार्थी आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं बायोडीजल उत्पादन से संबंधित, वो एकदम राइट है बता रहे हैं मेरे दोस्तों, एकदम राइट है बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं बायोडीजल उत्पादन से संबंधित। आपको मैंने बताया था दोस्तों पादप होता है जेट्रोपा कर्कश, उस पादप के बीजों से तेल निकाला जाता है जो बायोडीजल कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें टमाटर या मांस उत्पादन की क्रांति है कौन सी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें टमाटर या मांस उत्पादन की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, पहला है गोल क्रांति, दूसरा है लाल क्रांति, तीसरा है सुनहरी क्रांति और चौथा है बादामी क्रांति। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं लाल क्रांति, वो एकदम राइट है बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ के बताए। देखें सवाल कहता है भारत में गुलाबी क्रांति का नाम किसको दिया गया है, आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है गुलाबी क्रांति किसको बताया गया है। पहला है फल उत्पादन, दूसरा है नदी जोड़ो परियोजना, तीसरा है मसाला उत्पादन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे देखें। और आप में से यहाँ पे जो भी मित्र डी ऑप्शन बता रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिये जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखिये सवाल कहता है गुलाबी क्रांति संबंधित है, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे देखें गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। पहला है केसर उत्पादन से, दूसरा है झींगा मछली उत्पादन से, तीसरा है मसाला उत्पादन से और चौथा है कपास उत्पादन से। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं झींगा मछली उत्पादन से, वो एकदम राइट है बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें सवाल कहता है सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। पहला है दोस्तों फल उत्पादन से, दूसरा है बांस उत्पादन से, तीसरा है चमड़ा उत्पादन से और चौथा है भिंडी उत्पादन से। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे देखें सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। और जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं फल उत्पादन से संबंधित है, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें अगला क्वेश्चन है नदी जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे, गोल क्रांति से या अमृत क्रांति से या खाकी क्रांति से या इनमें से कोई भी नहीं, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दें। देखें नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है। और जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं अमृत क्रांति से, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों, एकदम राइट बता रहे हैं बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें सवाल कहता है भारत में धूसर या स्लेटी क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है, मेरे दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में धूसर या स्लेटी क्रांति का नाम किसको दिया गया है, पहला है सीमेंट उत्पादन, दूसरा है तिलहन उत्पादन, तीसरा है कपास उत्पादन और चौथा है भिंडी उत्पादन। तो आप जल्दी से बता दे देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं देखें। और जो भी मित्र आप में से यहां पे ए ऑप्शन बता रहा है वो एकदम सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं सीमेंट उत्पादन से संबंधित जो भी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें सवाल कहता है भारत में गोल क्रांति का नाम किसको दिया गया है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दे देखें भारत में गोल क्रांति का नाम किसको दिया गया है।
पहला है दोस्तों आलू उत्पादन से संबंधित, दूसरा है केसर उत्पादन, तीसरा है मसाला उत्पादन और चौथा है चमड़ा उत्पादन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं गोल जो क्रांति है वो किससे संबंधित है, जल्दी से बता दें दोस्तों। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं आलू उत्पादन से संबंधित वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें देखें। सवाल कहता है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु कौन सी क्रांति है, आपको ये कमेंट करके बताना है। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु कौन सी क्रांति है, पहला है ऑप्शन दोस्तों इंद्रधनुषीय क्रांति, दूसरा है दोस्तों व्हाइट गोल्ड क्रांति, तीसरा है हरित सोना क्रांति और चौथा है ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है सभी क्रांतियों पर नियंत्रण रखने हेतु कौन सी क्रांति है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बता दे रखें। और आप में से जो भी मित्र यहां पर ए ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। इंद्रधनुषीय क्रांति जो भी बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए कौन सी क्रांति है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए कौन सी क्रांति है, जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है सनराइज या सूर्यदेव क्रांति, दूसरा है गंगा क्रांति, तीसरा है सदाबहार क्रांति और चौथा है सैफ्रॉन क्रांति। तो आप जल्दी से कमेंट करें देखें। और जो भी विद्यार्थी आप में से ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सनराइज या सूर्योदय क्रांति वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें देखें। सवाल कहता है भारत में गंगा क्रांति का नाम किसको दिया गया है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने की क्रांति को, या दूसरा केसर उत्पादन की क्रांति को, या तीसरा जैव तकनीकी के क्रांति को, या चौथा उर्वरकों के उत्पादन को। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें भारत में गंगा क्रांति का नाम किसको दिया गया है। और आप में से जो भी यहां पे ए ऑप्शन बता रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें देखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कहता है भारत में सदाबहार क्रांति का नाम दिया गया है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं सदाबहार क्रांति किस क्षेत्र के अंदर है। जैव तकनीकी में, दूसरा केसर उत्पादन, तीसरा भिंडी उत्पादन या चौथा उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित। आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें भारत में सदाबहार क्रांति का नाम किसको दिया गया है। और जो भी मित्र आप में से ए ऑप्शन बता रहे हैं जैव तकनीकी को वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें देखें। सवाल कहता है केसर उत्पादन हेतु क्रांति कौन सी है, आप जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों। केसर उत्पादन हेतु क्रांति कौन सी है, पहला है सैफ्रॉन क्रांति, दूसरा है हरित सोना क्रांति, तीसरा है ग्रे क्रांति और चौथा है मूक क्रांति। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें। बहुत ही शानदार और लाजवाब। आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं सैफ्रॉन क्रांति वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ के और कमेंट करें देखें। सवाल है भारत में हरित सोना क्रांति का नाम किसको दिया गया है, हरित सोना क्रांति के अंतर्गत कौन आता है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दे देखें। हरित सोना क्रांति में भिंडी उत्पादन या दुग्ध उत्पादन या मसाला उत्पादन या बांस उत्पादन, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे देखें। और जो भी मित्र यहां पे आप में से डी ऑप्शन बता रहे हैं बांस उत्पादन वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। और जिन भी दोस्तों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो ईमानदारी के साथ में नोट डाउन कर लें और याद करें, क्योंकि इंडियन आर्मी में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें देखें। सवाल कहता है परामणि क्रांति संबंधित है किससे, आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें।
परामणि क्रांति संबंधित है। पहला मोटे अनाजों के उत्पादन से, दूसरा बांस उत्पादन से, तीसरा चमड़ा उत्पादन से और चौथा भिंडी उत्पादन से। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, देखें परामणि क्रांति किस से संबंधित है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आप में से जो भी यहां पे डी ऑप्शन बता रहे हैं भिंडी उत्पादन से संबंधित, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों, एकदम राइट है। और जिनको भी नहीं आता वो ईमानदारी के साथ में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें सवाल कहता है मोटे अनाजों के उत्पादन में निम्न में से कौन सी क्रांति आती है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, देखें मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है। पहला है दोस्तों मूक क्रांति, दूसरा है परामणि क्रांति, तीसरा है खाद्य श्रृंखला क्रांति और चौथा है ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, देखें मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है। और आप में से जो भी यहां पे ए ऑप्शन बता रहे हैं मूक क्रांति, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखें जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें सवाल है भारत में ग्रीन गोल्ड क्रांति का नाम किसको दिया गया है। आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है, ग्रीन गोल्ड क्रांति में किसका उत्पादन बढ़ाया गया है। चाय उत्पादन, दूसरा दुग्ध उत्पादन, तीसरा कपास उत्पादन, चौथा अंडा उत्पादन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, देखें भारत में ग्रीन गोल्ड क्रांति का नाम किसको दिया गया है। और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं चाय उत्पादन, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिए जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल है भारत में खाद्य श्रृंखला क्रांति का नाम किसको दिया गया है। खाद्य श्रृंखला क्रांति आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, चाय उत्पादन को, दूसरा है कपास उत्पादन, तीसरा है दुग्ध उत्पादन और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे, रखें बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दे रखें। तो आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और आप जल्दी से कमेंट करके बताए, देखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कहता है भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने की क्रांति कौन सी है। आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है। पहला है ग्रीन गोल्ड क्रांति, दूसरा है हरित क्रांति, तीसरा है खाकी क्रांति और चौथा है खाद्य श्रृंखला क्रांति। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं भारतीय कृषकों की जो आमदनी है उसको दुगना करने से संबंधित क्रांति कौन सी है। और आप में से जो भी यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं खाद्य श्रृंखला क्रांति, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और जो जो क्वेश्चन दोस्तों आपके गलत हुए हैं आपको उनको ईमानदारी के साथ में नोट डाउन करना है। और जब आप इंडियन आर्मी का एग्जाम देने बैठोगे तो आपको लगेगा कि वो ही क्वेश्चंस आए हैं जो आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस आपकी सेवाएं इतनी हैं। सभी विद्यार्थी अभी जाने से पहले बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।